डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्टफुल वेब सर्विसेज। तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में किसकी? रेस्टफुल वेब सर्विसेज। तो बेसिकली रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्या है, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं और ये किस यूज में आती है, मतलब इनको क्यों क्रिएट किया गया है या इसका यूज क्या है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेस्टफुल वेब सर्विसेज। सबसे पहले जो रेस्ट है दैट इज योर REST, दैट इज योर रेस्ट, रेस्टफुल वेब सर्विसेज। तो ये जो रेस्टफुल है हमारी, रेस्ट इज इन, इसका जो फुल फॉर्म है, जो ये स्टैंड करती है, बेसिकली इट्स एन रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, इट्स नॉट एन प्रोटोकॉल। तो ये जो रेस्ट है, तो REST मीन्स RE स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। सो दैट इज बेसिकली our REST. RE is in representational and S stands for our state and T is transfer. So this is our representational state transfer. As this is not a protocol, ये protocol नहीं है, ये एक architectural design style है. What exactly this? This is an architectural design style. It stands for your web services. It means जो REST है वो क्या दे रही है? Web services. So कहाँ इसका implement हुआ? The web की services में। सो जो इस रेस्ट का पूरा यूज है, मीन्स इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या इसके जो यूजेस हैं वो हमारी वेब सर्विसेज को और ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करने में और फ्लेक्सिबल करने के लिए होता है। सो ये बेसिकली इस पर्पज से हमारे रेस्टफुल सर्विसेज आती है। सो इसे हम कहते हैं रेस्टफुल वेब सर्विसेज। सो इट्स एन आर्किटेक्चरल डिजाइन, नॉट एन प्रोटोकॉल, मतलब एक स्टाइल डिजाइन है जो कि हम यूज करते हैं किन पे? वेब्स, जो हमारी वेब सर्विसेज हैं उनको और ज्यादा अच्छी बनाने के लिए, मतलब वेब सर्विसेज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको, उनकी प्रॉपर्टीज को क्या करना, उनके फंक्शंस को मोर स्केलेबल करना, मॉडिफाइबल बनाना या फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको इंक्रीज करना। मतलब जो वेब सर्विसेज है उसके क्रिएशन में और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में, मतलब इसको स्केलेबल बनाना, मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है उसको स्केलेबल बनाना, उसकी प्रॉपर्टीज को आप मॉडिफाइबल बनाना और उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। सो बेसिकली रेस्ट का काम यही होता है। Now the RESTful web services, generally जो ये services हैं that is on highly scalable, light और maintainable होता है। क्या होती है ये? highly scalable, light और maintainable होती है web services, जो कि जिनका create हम किस में यूज करते हैं? सो हम इनका क्रिएट करते हैं जो हमारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन है उनके API को क्रिएट करने के लिए। सो कहाँ यूज किया हमने? उनके वेब बेस को उसकी क्रिएट किया, API को क्रिएट करने के लिए। सो दैट इज आर क्या? रेस्ट, रिप्रेजेंटेशनल आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टाइल। सो ये होती है हमारी क्या? रेस्ट सर्विसेज। जो रेस्ट है उसमें जो प्रोटोकॉल है, मतलब जो रेस्ट का प्रोटोकॉल होता है दैट इज योर HTTP। रेस्ट का जो प्रोटोकॉल होता है दैट इज आर HTTP। और इसको जो होती है, मतलब इसका जो यूज होता है, जो उसका जो स्टाइल है, बेसिकली आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है उसमें क्लाइंट और सर्वर, किन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन? द क्लाइंट एंड सर्वर। तो जब हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है तो वो जो रिसोर्सेज होता है इन क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, सो जो रिसोर्सेज होती है उसको क्या करती है? वो रिप्रेजेंटेबल बनाती है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? रिसोर्सेज का। किसके बीच में? क्लाइंट और सर्वर के बीच में। सो बेसिकली रेस्ट ने क्या किया है? इसने सर्विसेज को इम्प्रूव किया है। सो जो वेब सर्विसेज क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक्सचेंज करा रही है डेटा या कम्युनिकेट करा रही है, सो इनके बीच का जो इंटरफेस है उस इंटरफेस में ये क्या करती है? रिसोर्सेज को और ज्यादा क्या करती है? रिप्रेजेंटेबल बनाती है। सो दैट इज आवर रेस्टफुल सर्विसेज। जो रेस्टफुल वेब सर्विसेज हैं वो क्या होती है? लूजली कपल्ड होती है, लाइट वेटेड है, जिससे जो वेब सर्विसेज हैं हमारी वो वेल सूटेड होती है। वेल सूटेड मतलब API को क्रिएट करने के लिए, मतलब API क्योंकि हम इसका यूज करते हैं ओवर द इंटरनेट पर वेब सर्विसेज का API क्रिएट करने के लिए। सो API क्रिएट करने के लिए जो इसका पर्टिकुलर किस तरह से होगा, किस तरह से उसकी डिजाइनिंग होगी, क्या उसमें लाइक किस तरह से वो वेबसाइट चलेगी, कितनी लाइट होगी, कैसी होगी, सो इसके लिए हम पर्टिकुलरली रेस्ट की वेब सर्विसेज को यूज करते हैं। जो रेस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसमें डेटा जो होता है, डेटा और फंक्शनैलिटी, ये दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं रिसोर्सेस की तरह। सो डेटा और फंक्शनैलिटी ये दोनों रेस्ट में आर्किटेक्चरल स्टाइल में ये रिसोर्सेस की तरह दोनों ही चीजें यूज होती हैं। इसको क्या करता है हमारा एक्सेस कराता है। तो एक्सेस किसके थ्रू? ओवर द वेब पे एक्सेस हुआ, मतलब जो टिपिकली जो लिंक है वेब पर उसको एक्सेस करता है। तो किसको यूज करके वो एक्सेस करता है? सो यूजिंग आर URI। What is our URI? Our URI is U is uniform resource identifiers. So in URI के थ्रू, मतलब जो हमारा लिंक होती है वेब पर, जो वेब लिंक्स है हमारी, उसके रिसोर्सेस को एक्सेस करना किसमें? जो उनका डेटा होता है, डेटा एंड फंक्शनैलिटी में। सो रेस्ट इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल। तो ये हमारे जो रेस्ट है हमारा, ये जो रिसोर्सेस हैं, जो रिसोर्सेस कंसिडर की जाती है जैसे डेटा और फंक्शनैलिटी, ये रिसोर्सेज इनको एक्सेस करने के लिए URIs को यूज करते हुए टिपिकली जो लिंक होती है वेब सर्विसेज पे उनको देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको आपकी सिटी का करंट वेदर जानना है, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रेस्ट। क्योंकि जो आपके जो वेब सर्विसेज होती हैं, जो वेबसाइट्स हम यूज करते हैं या जो हम क्रिएशन हो रहा है, सो दैट इज योर रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल। वो कौन सी सर्विसेज होती है? हमारी रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल है। सो हम अगर करंट वेदर जानना अपनी सिटी की, ऑल्सो जो रिसोर्सेज आपको मिली है वो किसके थ्रू हुआ है? जो रेस्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टाइल के थ्रू मिला है। जो रिप्रेजेंटेशन होता है रिसोर्सेज का, वो किस पे हो सकता है? हमारा XML पे। सो XML पे होता है, और वो XML जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल करके रखता है, मीन्स डॉक्यूमेंट के साथ रहता है। तो XML डॉक्यूमेंटेड इमेज फाइल और जो हमारी HTML पेजेस है, इनके साथ क्या होता है? ये रिसोर्सेज कंटेन करके रखते हैं, रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। जो क्लाइंट है, मतलब जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है? डेटा रिट्रीव करता है। मतलब क्लाइंट को बेसिकली रिट्रीवल, पर्टिकुलर जो रिप्रेजेंटेशन करना है या डेटा को रिप्रेजेंट करना है, या उसको अपने डेटा को मॉडिफाई कराना है, या डेटा जो रिसोर्सेज है उसको या तो मॉडिफाई करना है या अपडेट करना है या फिर उसको डिलीट करना है। सो एंटायरली क्लाइंट को अगर अपने डेटा में रिप्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंटेशन मतलब या उसको मॉडिफाई करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, सो इसके लिए भी क्या हम यूज करते हैं? दैट इज आर द आर्किटेक्चरल डिजाइन। सो ये था हमारा क्या? आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टाइल। एक एग्जाम्पल भी हम लेके जा सकते हैं जब 2004 में जो रेस्ट सर्विसेज हैं हमारी, सो 2004 में इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया, मींस उस टाइम पे इनिशिएट किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कुछ सालों बाद इसकी जो वेब सर्विसेज थी, मतलब इसकी जो यूसेज थी, वो डे बाय डे क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो सम कपल ऑफ ईयर्स, कुछ टाइम बाद इन सर्विसेज को, इन डिजाइन स्टाइल को हम वेब सर्विसेज में और अच्छा क्रिएट किया, जिसको आज की डेट में फेसबुक और ट्विटर या फिर जितनी वेबसाइट्स हैं वो यूज कर रही है। सो दैट इज अ टाइम जब हमारा 2004 में इसको एक आर्टिकल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस टाइम इन वेब सर्विसेज को और ज्यादा अच्छा बनाया गया। उसके बाद आप फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं। सो द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आप तक आ रही है या जो वेब सर्विसेज आप तक पहुंच रही है, दैट इज द बिहाइंड ऑफ योर रेस्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टाइल। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जो रेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिकली दो तरह से हम बता सकते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, दैट इज स्टेट एंड फंक्शनैलिटी। तो स्टेट एंड फंक्शनैलिटी जो है वो डिवाइड किया गया है ओवर किस पर? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे। तो रेस्ट की जो स्टेट एंड फंक्शनैलिटी है उनको डिवाइड किस पे किया गया है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे। तो जैसे हमारा कुछ जैसे हमारे कमांड्स है HTTP कमांड्स के, कुछ जनरल कमांड्स है सच लाइक योर गेट GET। अगर HTTP के कुछ कमांड्स की हम बात करते हैं, जैसे हमारी ये हो गई गेट कमांड, हमारा हो गया कौन सा? पोस्ट, दैट इज अ पोस्ट, पुट हम ले लेते हैं इसमें, और भी बहुत सारे जो जनरल कमांड्स हैं, और हमारी सपोज करिए कुछ हम दूसरे भी ले सकते हैं, जैसे हमारी और आ गई। सो दीज आर सम जनरल डिलीट। सो ये जो हमारी मतलब कुछ रिसोर्सेज जिनके थ्रू ये जो HTTP की कुछ कमांड्स है जिनके थ्रू हम बताते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये कहाँ यूज होना है, किस जगह पे होना है, क्या एंड पॉइंट्स रहेगा, ये सारा हमारा इसी डिजाइन स्टाइल का रहता है। सो दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टेट एंड फंक्शनैलिटी किस पर बना हुआ होता है? पूरा का पूरा, दैट मींस ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे रहता है। सो डिवाइड इसको किस पे किया गया? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर किया गया है। दूसरा जैसे हमारा है द आर्किटेक्चरल, जो आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट हमारा किसका, क्लाइंट और सर्वर में, या स्टेटलेस अपना लेयर है, या हमारी सपोर्टिंग्स है. सो दीज आर द टू, ये दोनों हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, आपकी रेस्ट की. चलिए ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. अब हम बात करते हैं किसकी, रेस्ट के कंपोनेंट्स की, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं हमारे इस आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टाइल में. तो जो आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टाइल है उसमें बेसिकली 6 आती हैं. कौन कौन से आते हैं हमारे, 6 कमांड्स, मतलब 6 कंपोनेंट्स आते हैं. अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो दैट इज आर रिसोर्सेज. सेकेंड बना रिक्वेस्ट वर्ब्स, देन request header, then request body, then reaction body, and last is response स्टेटस कोड. सो ये 6 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे किसमें, रेस्ट में वर्क करते हैं. रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज वो होता है जो मेन की कॉन्सेप्ट है, मतलब जो मेन की असेट्स है वो हमारी क्या होती है, रिसोर्सेज का. इसका मतलब सपोज हम HTTP दे करके किसी वेबसाइट का URL आप दे रहे हैं, उस URL में जो आप एड्रेस देते हैं, मतलब वेयर द रिसोर्सेज, हमारा रिसोर्स कहाँ से आ रहा है. सो दैट इज आवर मेन की कंपोनेंट, जिसको हम सिंपल असेट भी कहते हैं, दैट इज आवर रिसोर्सेज. नेक्स्ट है जैसे हमारा रिक्वेस्ट वर्ब. अब वर्ब जो होती है वो असेट्स के साथ रहता है, कि आपको मतलब पर्टिकुलरली किसकी नीड है, व्हाट एग्जैक्टली. तो हमने सपोज एक URL बनाया, उस URL में सपोज वो है एक डेटाबेस, उस डेटाबेस में एक एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई का मुझे एड्रेस चाहिए या उस एम्प्लॉई का डेटा चाहिए. सो बेसिकली क्या हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा वर्ब जो होता है दैट इज एग्जैक्टली व्हाई नीड, यानी क्यों है और व्हाट नीड, क्यों है और क्या है, नीड हमारी किस चीज की है, इसको बताता हमारा रिक्वेस्ट वर्ब्स. जैसे एक प्रोग्राम है, उसका कोड है, उस प्रोग्राम कोड में हमने दिया है गेट का एक्शन वर्ड, तो उस गेट एक्शन वर्ड में हमें क्योंकि लेकर आता है ना एंड पॉइंट कहाँ पे लगाना है या किस इंफॉर्मेशन को जाना है, तो सपोज ये हम इस वर्ब का यूज, इसमें वर्ब यूज कर रहे हैं गेट का, तो इस वर्ब के साथ हमारा आता है दैट इज बेसिकली आर रिक्वेस्ट वर्ब्स. सो ये जो वर्ब्स हम यूज करते हैं, क्योंकि व्हाट एग्जैक्टली द नीड एंड कहाँ पर लेके चलना, कौन सा एंड पॉइंट होगा, दैट इज आर रिक्वेस्ट वर्ब. रिक्वेस्ट हेडर्स, जो हेडर होता है वो किसके साथ कंटेंट होता है, बेसिकली जो गाइडलाइन देगा, इसका मतलब नियम क्या है, किसके साथ भेजा जाएगा, व्हाट एग्जैक्टली द हेडर्स कंसिस्ट होता है कि जो एक्स्ट्रा गाइडलाइंस है या किसको भेजना है, तो उस नियम के साथ हमारा हेडर कंसिस्ट होता है. नेक्स्ट आता है बॉडी. बॉडी जो होती है आपकी, किसको भेजना है, तो बॉडी के साथ क्या रहना चाहिए, हमारा जो बॉडी होगा उसके साथ क्या आएगा, दैट इज आवर डेटा, मतलब जो बॉडी होगी वो कंसिस्ट होगी किसके साथ, बॉडी डेटा में. सो उसमें जो आपके रूल्स हैं, उस रूल्स के साथ आपकी जो बॉडी होगी, और उस बॉडी के साथ सपोज हम पोस्ट वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो पोस्ट मतलब डिमांड करना, कहाँ पे जा रहा है, क्या वेब एडमिन किस तरह से उस पोस्ट का यूज कर रहा है. सो उस डिमांड के साथ आपका डेटा के साथ रेगुलर इंफॉर्मेशन देना, ये होता है बॉडी का, कि उस डेटा में क्या कंसिस्ट है, वेब एडमिन जो रेस्ट के साथ वेब एडमिन आ रहा है वो पोस्ट को कहाँ पर यूज, मतलब क्या कमांड को यूज कर रहा है, दैट इज आवर रिक्वेस्ट बॉडी. नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन बॉडी. जो रिएक्शन बॉडी आती है बेसिकली इट्स एन फंडामेंटल बॉडी ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये एक रिएक्शन देती है इसका, कि आपके बॉडी के साथ क्या कंसेप्ट है, इट्स एन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. सो इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ हमारा था रिएक्शन बॉडी. लास्ट है हमारा रिस्पॉन्सेस स्टेटस कोड. जो रिस्पॉन्सेस स्टेटस कोड है वो होता है एक जनरल कोड, जिसमें हमारा रिटर्न या फिर आपका जो रिएक्शन है या हमारे जो वेब सर्वर्स हैं वो कहाँ से है, क्या रिएक्ट कर रहा है, किससे कर रहा है, दैट इज बेसिकली अ रिस्पॉन्सेस कोड. जैसे फॉर एग्जांपल हमें एरर्स आती हैं 404, व्हाट एग्जैक्टली दिस, ये क्या है, आपका एक सर्वर है, हमारा एरर आता है, दैट इज आवर एरर. सो दैट इज सर्वर नॉट फाउंड, आपको आता है कभी कभी, समटाइम्स यू फाउंड दिस काइंड्स ऑफ एरर 404, 200, और फॉर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ एरर्स यू हैव फाउंड. सो व्हाट एग्जैक्टली दीज? तो हमें जब हमारा जब सर्वर एरर्स आता है तो हम 404 आता है, 404 आता है, डेटा नॉट फाउंड आता है या ओके सबमिट आता है. सो दीज काइंड्स ऑफ एरर्स, तो ये हमारी क्या होती है? दैट इज आवर स्टेटस कोड. ये क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी स्टेटस कोड. सो ये था हमारा क्या? रेस्टफुल वेब सर्विसेज. सो बेसिकली कहाँ है, क्या चीज होती है रेस्टफुल वेब सर्विसेज, ये हमने अभी जाना. और रेस्टफुल जो वेब सर्विसेज हैं नाउअडेज, हम इनको एक अच्छे मीन्स लाइक एक अच्छे वेब सर्विसेज के रूप में यूज कर रहे हैं. सो वॉट एवर, जैसे आपने एम्प्लॉय का कोई डेटा लेना है या सपोज आपका कोड बना हुआ है .xml पे, इधर द .NET फ्रेमवर्क पे. सो जो सर्विसेज आ रही हैं वो कैसे आ रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, दैट इज एंटायरली अ रेस्ट रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर. होप यू कैन अंडरस्टैंड. थैंक यू.